सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका, मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रैल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में। और केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से सुबह की लगभग 8:30 हो रही है और आज आसमान में हल्के हल्के काले बादल भी छाए रखे हैं और काफ़ी अच्छी तेज़ धूप खिल रखी है। थोड़ी देर बाद शायद आसमान में पूरी तरह से काले बादल छा जाएंगे। और मेरी मम्मी यहाँ पर लगी हुई है कंसी से थमाली की धार को तेज करने पे, तो आज हम ना उधर भैया लोगों से बांझ कटाएंगे। जो लेबर लोग लगी हुई हैं, तो कल मैंने बोला था भैया बांझ काट के दो, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं ना, तो इसलिए। तो मम्मी यहाँ पर कंसी से ना थमाली की धार को तेज़ कर रही है, जिससे फटाफट से बांझ काटने के लिए होता है ना मम्मी। हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो भैंस को भी ले जाएंगे हम नीचे नदी पे, इधर जाने की ट्रेनिंग कराते हैं उनसे, उनके ऊपर बुजाल में जाना है, तो हम इस तरह आएगा वो यही रह जाएंगे। अब इधर उधर को ट्रेनिंग करते हैं इधर उधर जाने की, और वैसे ही घास लाएंगे। हाँ, फिर थोड़ा बहुत बांझ काट के भी डालेंगे उनके पास, क्योंकि कल तो नहीं ले गए, कल ऐसे ही घूमे वो वहाँ। कल हमने ये घर में ज्यादा रींगते थे ना, तब नीचे ले गई हम, काली तो ज्यादा ही दौड़ती थी, थकाई लग गई कल उनको दोनों को। हाँ, आराम से रही कल से। क्यों ना जो काम पे जो भैया लोग लगे हुए हैं नदी के किनारे दीवार वगैरह बना रहे हैं, तो मैंने तो कल बोल दिया था कि भैया बांझ काट के देना, तो वैसे थमाली लेके चलते हैं, देखते हैं काटते हैं कि नहीं काटते हैं बांझ। तो हमें वहीं से ना भैंसों को भी लेके जाना है, नहीं काटेंगे तो वहाँ पर रिंगाल वगैरह है, वही काट के डालेंगे भैंसों के पास। तो चलिए जी, अब चलते हैं गौशाला की तरफ, मम्मी गाय भैंसों को खोलेगी। गाय को तो नहीं ले जाएंगे, क्योंकि गाय नहीं चल पाएगी ना, क्योंकि वो इंसान बहुत सारे इंसानों को देखकर डरती है और ऐसा सोचे कि कहाँ ले जा रहे, तो वहीं पर लेट जाएगी वो। तब बहुत ज़्यादा ड्रामेबाज है हमारी गाय। एक दिन ना नीचे गिरी थी ना खेत में, तो मतलब वो उठी ही नहीं। फिर ना गांव के 7-8 आए, ताऊ जी आए और गाय को ना ऊपर लेके आए जब नीचे गिरी थी। और जैसे ही यहाँ धारे पर आए ना, वो उठी सीधा गौशाले दौड़ी, तब से वो डरती है, तो इसलिए नहीं ले जाते हम। और कई लोगों का कमेंट था कि आप अपनी गाय को चराने के लिए क्यों नहीं ले जाते हो, तो वो हमारी ना जर्सी गाय है, बहुत पहले आ गए थे, आप जाके तुरंत बाद लेके आए हम। तो मम्मी ने ना एटिना में काम किया था, फिर मिली थी हमको गाय। वैसे उसको बहुत साल हो गए हैं, लेकिन ना वो दूध नहीं देती है, वो बात अलग है, लेकिन हम पालते ही हैं। थमाली की धार को भी तेज़ कर दिया है और यहाँ पे मैंने ना अपने लिए पानी भी रख रखा है एक बोतल पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्यास लगती है ना, तो पानी भी लेके जाऊँगी साथ में। तो फाइनली अभी हम पहुँच गए हैं गौशाला में और सब ने अपनी भैंसें बाहर निकाल रखी हैं, और हमारी काली ने ना बांझ भी अच्छे से नहीं खा रखा है और घास की खतपत भी कर रखी है। तो ये रही काली और ये रही हमारी दूसरी भैंस, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा मारती है भाई। ये देखिए हमारी कुटिया कहीं की, अभी तो नहीं मार रही है, लेकिन कल तो पीछे से दौड़ी मेरे। और गाय को ना बाहर निकाल देते हैं और रस्सी भी ले जानी है मुझे, और ये वाली जो भैंस है ना ये मारती नहीं है, ये देखिए। आज हम भैंसों को ले जा रहे हैं पुल पार, तो पुल पार के इधर आ गए हैं, तो इधर ही ले जाएंगे भैंसों को। तो चलते हैं अब इधर की नीचे की साइड लगाएंगे भैंसों को। तो भैंस उधर चरने लग गई है आराम से, जो बचा घास होता है तो उसको चरने लग गई है यहाँ पे, तो आराम से चरेंगे अब। हमारी जो भैंसें हैं ना वो यहाँ आराम से चर रही हैं और यहाँ ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं लगती है। वैसे तो यहाँ 2-3 बजे ही धूप लगती है, अभी तो यहाँ शोला शोला सा मौसम है, मतलब अभी यहाँ धूप नहीं लगी हुई है। तो पहले ना यहाँ नेपाली लोग रहते थे, मतलब टेंट निकाला हुआ रहता था यहाँ पे। ये देखिए भाई, यहाँ पे ऐसे रिंगाल की लकड़ियाँ वगैरह खड़ी कर रखी है, ये देखिए। तो कभी ना आपदा से पहले यहाँ काफ़ी अच्छा था, पहले ना हम यहाँ खेलने आते थे, मतलब इतना अच्छा था ना, कभी हमारे गांव में केले वगैरह हुआ करते थे काफ़ी सारे। अब जहाँ वो पत्थर दिखाई दे रहे हैं पुल के उधर की साइड, तो वहाँ सीढ़ी ने वहाँ खेत थे, खेतों के बीचों बीच से होकर जाता था हमारे घर के लिए रास्ता, मतलब गांव के लिए रास्ता जाता था, तो काफ़ी अच्छा था। यहाँ हम गाय भैंसों बैलों को लेकर आते थे, क्रिकेट खेलते थे। और अभी यहाँ पर ना दोनों भैंस लड़ाई करने लगी हैं और ये काली ना उसको मारने के लिए आ रही है, पता नहीं क्यों। यहाँ आराम से रहते थे, और जब फूलदेई का त्यौहार आता था ना, तो यहाँ ना हम मालाएं बना के घर ले जाते थे, और कभी यहाँ पत्थरों पे ना खटाई भी बनाते, इतना अच्छा लगता था ना उस टाइम। और उस टाइम मैं छोटी सी थी, और जब ना बैट बॉल खेले थे ना, तो मेरे नाक पे भी लगी बैट की, जो बॉल पे लगनी थी वो मेरे नाक पे, और मैं सीधा बेहोश हो गई।
तो यहाँ से ठीक नीचे दिखाई दे रही है मंदाकिनी नदी और हमारे गांव का पुल। और मम्मी उधर पुल की साइड बैठ रखी है, जेठी माँ से आराम से गप्पे लगाने पे लगी हुई है कॉल पे। और यहाँ पे ना काफ़ी सारे काफल के पेड़ हैं, तो आपको ना कोरे भी बता देते हैं काफल के जो अभी कच्चे हैं। तो ये देखिए भाई, तो इस साल ना इस पे काफ़ी सारे काफल लगने वाले हैं। और जो कोरे हैं ना वो अभी देखिए छोटे छोटे से हैं और कच्चे हैं, अभी हरे हरे हैं। तो काफ़ी सारे लग रहे हैं इस साल इस पेड़ पे। और जो ये पेड़ है ये काफ़ी बड़ा पेड़ है, कभी मैं ना पेड़ पे नहीं चढ़ पाती थी, यहीं तक जा पाती थी, ऊपर नहीं चढ़ पाती थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डर लगता था पेड़ पे। एक काफल का पेड़ ये रहा और एक काफल का पेड़ वो रहा, बाकी यहाँ ज़्यादातर बुरांस के पेड़ ही पेड़ हैं। और यहाँ ना बाघ की भी डर लग रही है क्योंकि ना बाघ भी आता है, क्योंकि पहले ना हमारी ना बैल मारी थी उधर की साइड, हमारे बैल भी हुआ करते थे बहुत पहले, जब मेरे पापा थे तब हमारे बैल भी थे, दो भैंसे भी थी। पड़ जा रही है ना, और ये भी मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, तो डंडा भी रखना पड़ रहा है क्योंकि ये लोगों के पीछे भाग रहे हैं। कल तो मेरे पीछे भागे और आज गांव के एक लड़की के पीछे भागे। ब्लॉग नहीं बना पाई लेकिन ना बनाऊंगी। ये देखिए अभी काली फिर से मेरे को देखने लग गई है, बोल रही होगी कहाँ जा रही है। तो अभी मैंने ना उधर की साइड से रिंगाल काटा, थोड़ा ही काटा था कि तब तक काली मेरे को देखने के लिए आ गई। तो अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रिंगाल डाल दिया है, ये देखिए अभी यहाँ पे रिंगाल खाने लग गए हैं। थोड़ा बहुत मैंने वहाँ से वो काटा, क्या बोलते हैं उसका नाम, अभी मैं भूल गई, लेकिन अभी मैंने वो काट के डाला था वहाँ पे। तो कुछ अभी यहाँ पे रिंगाल डाल रखा है थोड़ा बहुत, वो भी थोड़ा सा, तो अभी उसको खाने लग गई है आराम से। यहाँ पे ना एक काफ़ी बड़ा बुरांस का पेड़ है जिसपे काफ़ी सारे बुरांस खिले हुए हैं, और बुरांस की जो पंखुड़ियाँ हैं ना वो यहाँ नीचे गिर रखी हैं। और यहाँ से ठीक उधर की साइड दिखाई दे रहा है गविनी घाट। गविनी घाट का जो पानी है वो आजकल कम है, बरसात के टाइम ये भी खतरनाक रूप ले लेती है। और एक दिन ना मतलब बहुत पहले गविनी घाट ने ना अपना भयंकर रूप निकाला और ट्रक वगैरह बह के आए इसी गधेरे में, और छोटा सा ही गधेरा है लेकिन बरसात के टाइम ये भी खतरनाक रूप ले लेती है। और यहाँ पे गविनी घाट और मंदाकिनी नदी का संगम होता है, तो ऊपर केदारनाथ से आती है मंदाकिनी नदी और इधर से गविनी घाट जो कि ऊपर से आता है। और ये पानी कभी नहीं सूखता है, गविनी घाट का पानी ऐसे ही थोड़ा आता है पर लेकिन आता ही है, और बरसात के टाइम तो काफ़ी खतरनाक। ये वाला जो रास्ता है ना, पहले ये हमारा ना पुल के लिए जाता था, जो बहुत पहले जो पुल था वहीं के लिए जाता था पहले ये रास्ता, लेकिन अब यहाँ रास्ता बंद है, मतलब बंद ही क्या हो ना, लेकिन यहाँ नहीं आते हैं अब। और आपदा के बाद ना पुल बनाया था दूसरा वाला, तो इधर ही की साइड से जाते थे हम अब, लेकिन अब इधर ही की साइड से बना दिया है पुल, तो रास्ता उधर की साइड, अब इधर की साइड नहीं आते हैं। जब लोग बैलों को लेकर आते हैं ना तो तभी आते हैं इधर की साइड, नहीं तो नहीं आते हैं। अब ना उनको उधर की साइड लेके चलते हैं भैंसों को, अभी भैंस यहाँ पुल में भी आ गई है, चल चल गालो। तो ये देखिए आराम आराम से ले जाएंगे, नहीं तो ये भयंकर दौड़ी है भाई। मंदाकिनी नदी के ना ठीक इधर साइड है नई दुकान खोल रखी है गांव के भैया जी ने, खोल रखी है नई दुकान। यहाँ पे सब सामान है, चीनी चाय वगैरह, मतलब बारीक बारीक सामान ही है जो घर के लिए चाहिए होता है, सब चीज़ें यहाँ पे। बाकी यहाँ पे हैं खतरनाक कुत्ते जो कि काटने के लिए आते हैं। तो मंदाकिनी नदी के किनारे नई दुकान भी खुल गई है, और ऊपर की साइड भैया ने कबूतर भी पाल रखे हैं, तो कबूतर देखे भाई टीन में आराम से दाना चुग रही हैं।
तो अभी हम भैंसों को ले जा रहे हैं मंदाकिनी नदी के किनारे नहलाने के लिए। तो मम्मी उधर चले गई है आगे बाल्टी लेके, भैंसें पानी पीने लग गई हैं और एक साइड से मम्मी नहला भी रही है इनको। तो मंदाकिनी नदी के किनारे आ गए हैं। जो पुल है ना वो मंदाकिनी नदी के काफी ऊपर पे बना हुआ है। ये देखिए भाई काफी लंबा पुल है और पुल के नीचे बह रही है मंदाकिनी नदी। और बरसात के टाइम ना मंदाकिनी नदी का जो जल स्तर है वो उधर से लेकर और इधर पूरा घेर लेता है। तो मतलब पानी ना सीधा इधर की साइड तक आता है और जहाँ वो टेंट दिखाई दे रहा है तो वहां तक रहता है। दोनों भैंसों को नहला भी दिया है, बाल्टी ला रखी थी साथ में। और भैया ने ना दुकान के ठीक पीछे ना किचन गार्डन है जहाँ पे मटर के पौधे दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए भाई और दुकान भी ना काफी बड़ी है। तो चलिए जी अब चलते हैं घर, दोनों भैंसों को लेके टाइम भी हो गया है। ना मैं दुकान से कुरकुरे ला गई हूँ तो कुरकुरे खा लेते हैं। बाकी भैंस को भी नहला दिया है और आराम से अब धूप सेकेंगी। ये देखिए दोनों भैंसे तो अब कुरकुरे खाते हैं। और जेठी माँ ना जेठी माँ के साथ बात कर रही है मम्मी जी। कुरकुरे भी खा दिए हैं, अब चलते हैं घर की ओर। बाकी अभी आसमान में पूरी तरह से काले बादल भी छा गए हैं, बाकी भैंस भी आ ही रहे हैं उधर की साइड। दोनों भैंसों को यहाँ बाहर भी बांध दिया है और घास भी डाल दिया है और गाय को भी मैंने अंदर बांध दिया है। तो चलिए जी अब चलते हैं घर। तो अभी ना मैंने दोनों भैंसों को पानी भी पिला दिया है, बाकी अभी यहाँ पे गाय को पिला रही हूँ पानी। तो यहाँ पे गाय पानी पी लेगी। जी आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।